और इसी बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का, अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है, अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने, अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है, बहुत ही दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिग बॉस से फेम दुगना करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और काफी सारे संगीतों में आए अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, काफी दुखद खबर, अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हुआ। तो देखिए बड़ी खबर, सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनको हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन, ये अभी अभी बड़ी दुखद खबर सामने आई है। तो देखिए ये बड़ी दुखद खबर सामने आई है, सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। काफी सालों तक टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद बिग बॉस में एंट्री ली थी सिद्धार्थ शुक्ला ने। उसके बाद काफी सारे म्यूजिक वीडियोस में भी आए, शहनाज गिल को डेट कर रहे थे, काफी पॉपुलैरिटी है उनकी, सोशल मीडिया पर भी लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। टीवी जगत के बाद बड़े पर्दे पर भी आने वाले थे सिद्धार्थ शुक्ला, और ये बड़ी दुखद खबर इस वक्त की सामने आ रही है, हार्ट अटैक के चलते सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ। बिग बॉस के विजेता रह चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला। तो अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, जिनको हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया, 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। बिग बॉस के विजेता रह चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला, उससे पहले टीवी जगत में काफी सालों तक उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को एंटरटेन किया। उसके बाद बिग बॉस में एंट्री लेकर बिग बॉस के विजेता भी रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला। काफी सारे म्यूजिक वीडियोस में आए। बराबर रेनबो बनाने की ताकत है मेरे में, और मैं बराबर रेनबो बनाता था यहाँ पे। आपको स्पेस चाहिए? इस दिवाली में आपके लिए रॉकेट लेके आऊंगा, बैठ जाना उस पे, पहुंच जाएंगे आप स्पेस। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर अप टू मैम। आई एम सो श्योर यू डोंट अंडरस्टैंड। अभी आदत बहुत कमजोर है मेरी, तो फिर आप शायद याद रखने लायक नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा हूँ, कम से कम साथ में रह गए, पीठ पे छूला तो समझा। अकेला हूँ, अकेला ठीक हूँ, और अकेला खुश हूँ, खुश है ना, और अकेले से भक्ति है सबकी। तो एक दूसरे आराम से मत बोलो, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, सुनना बुला रही देखो। अब मच्छर चुपचाप निकल यहाँ से, समझा ना, कुत्तों के मुंह नहीं लगते यार। बेबी इफ यू ऑल यू नी वांट टू बी अ गुड गर्ल गेट योरसेल्फ अ बैड बॉय। सर मैं सहमत इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं कर रहा था, तो कल वैसे मुझे पलट नहीं पाएगा। दे सकती यहाँ पर, चलो बाय बाय। नेगेटिव लोग भी नहीं पसंद करती मैं ज्यादा। तो खुद को कैसे पसंद कर लेती हो? आई एम श्योर खुद से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो बोला था जिस दिन तेरी आर्मी निकली, तो देखिए काफी दुखद खबर ये सामने आई है। सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने सालों तक टीवी के जगत में अपने अभिनय से दर्शकों को एंटरटेन किया, उसके बाद बिग बॉस में भी एंट्री ली, बिग बॉस के विजेता रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला, और जनता का काफी प्यार जीता उन्होंने बिग बॉस में आने के बाद। बिग बॉस जीतने के बाद वो काफी सारे म्यूजिक वीडियोस में भी आए, शहनाज गिल के साथ भी उनकी जो जोड़ी है वो दर्शक काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। लेकिन आज हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया, 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से आज निधन हुआ है। बिग बॉस के विजेता रह चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला, काफी सालों तक टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया, दर्शकों का दिल जीता, उसके बाद बिग बॉस में भी एंट्री ली, दर्शकों का प्यार लगातार उनको मिलता रहा, जिसके चलते वो बिग बॉस के भी विजेता रहे।
वहां से उनकी और शहनाज गिल की जो जोड़ी है वो दर्शक काफी पसंद करने लगे थे और काफी सारे म्यूजिक वीडियोज में भी आए। और इसी बीच हमारे साथ अभिनेता एजाज खान जुड़ चुके हैं। एजाज, बेहद दुखद खबर ये सामने आई है, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। आपने उनके साथ काम किया, आप काफी समय तक उनके साथ रहे हैं, क्या कुछ कहना आपका? तो देखिए, 40 साल की उम्र में अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। आज हार्ट अटैक आने से उनका निधन हुआ है। बिग बॉस के विजेता रह चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला। काफी सालों तक टीवी जगत में काम करने के बाद बिग बॉस में एंट्री ली थी और लगातार जनता का प्यार उनको मिलता रहा, जिसके चलते रियलिटी शो बिग बॉस भी उन्होंने जीता और वहां से उनकी और शहनाज गिल की लव स्टोरी भी स्टार्ट हुई थी और उनकी जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था, दर्शक काफी पसंद कर रहे थे उनकी जोड़ी को। लेकिन आज हार्ट अटैक के चलते 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। देखिए, काफी दुखद खबर ये सामने आ रही है, 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक के चलते। आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला टीवी जगत में काफी जाने माने चेहरे थे, वो दर्शकों का काफी प्यार मिला उनको, रियलिटी शो भी जीता है उन्होंने बिग बॉस, जहां से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, दर्शक उनकी इस जोड़ी को काफी सपोर्ट करने लगे, काफी प्यार करने लगे। लेकिन आज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। तो बिग बॉस के विजेता रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला, उनका आज हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। ये काफी बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है इस वक्त की है। टीवी जगत में काफी सालों तक काम किया सिद्धार्थ शुक्ला ने, जिसके बाद वो एक ब्रेक लेकर बिग बॉस में आए थे। लगातार दर्शकों का प्यार मिला, जिसके चलते वो बिग बॉस जीते और बिग बॉस से ही उनकी शहनाज गिल के साथ जो जोड़ी थी उसको दर्शक काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। काफी सालों तक उन्होंने टीवी जगत में काम किया है, उसके बाद रियलिटी शोज भी उन्होंने जीते हैं, उसके बाद भी बड़े पर्दे पर आने वाले थे, वो काफी म्यूजिक वीडियोस भी कर चुके थे, दर्शकों का लगातार उनको प्यार मिलता आया था। तो आज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। काफी बड़ी और दुखद खबर ये फिलहाल, आज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। तो बिग बॉस के विजेता रह चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला, काफी सालों तक टीवी जगत में काम किया, काफी सीरियल्स में उनको देखा सभी ने, उसके बाद रियलिटी शो बिग बॉस में भी आए, वो अकेले खेले, अकेले जीते, एक तरफा उनका वहां पर खेल चला था, लेकिन लगातार दर्शकों का जो प्यार था वो उनको मिलता रहा, जिसके चलते उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस भी जीता था। वहां से उनकी लव स्टोरी शहनाज गिल के साथ शुरू हुई, लगातार दर्शकों का प्यार उनकी इस जोड़ी को मिलता रहा, शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को दर्शकों का बहुत प्यार मिला, उसके बाद वो लोग म्यूजिक वीडियोस में भी साथ दिखे, उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई। लेकिन आज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। काफी दुखद खबर ये फिलहाल, हार्ट अटैक के चलते अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज 40 साल की उम्र में निधन हो गया। बिग बॉस में
सभी दर्शकों का प्यार उनको मिला और लगातार दर्शकों के प्यार से उठते आए अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला काफी सारे म्यूजिक वीडियोज में भी देखने को मिले। उनकी और शहनाज गिल की जोड़ी को दर्शक काफी ज्यादा पसंद करते थे, उनकी केमिस्ट्री काफी ज्यादा दर्शकों को पसंद थी और इसी के चलते वो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी पॉपुलर थे। उनके फैन पेजेस उनकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर डालते थे, दर्शकों का लगातार प्यार उनको मिल रहा था और काफी सारे म्यूजिक वीडियोस उन्होंने साथ में किए थे। उनकी केमिस्ट्री देखने के लिए दर्शक उनके म्यूजिक वीडियोस का बेसब्री से इंतजार करते थे और उनके जितने भी सॉन्ग्स आए हैं सारे हिट गए थे। लेकिन आज की ये दुखद खबर, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। तो अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला जिन्होंने टीवी जगत में सालों तक काम किया, सालों तक टीवी सीरियल में अभिनय करके उन्होंने दर्शकों का मन बहलाया, उसके बाद उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में एंट्री ली और बिग बॉस में एंट्री लेने के बाद लगातार उन्होंने दर्शकों का प्यार जीता। एक तरफा खेल रहा था उनका बिग बॉस में और उसी के चलते दर्शकों के प्यार से रियलिटी शो बिग बॉस भी जीते थे सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन वहीं से उनकी लव स्टोरी शहनाज गिल के साथ शुरू हुई जिसको दर्शकों का काफी प्यार मिला। लगातार बिग बॉस के बाद उनके म्यूजिक वीडियोज आए और न्यूज रूम से हमारी संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुषी देखिए काफी दुखद खबर है आज की, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की उनका निधन हो गया है। बिल्कुल आयुषी, बेहद दुखद खबर ये, क्योंकि जिस तरीके से उनका करियर हम सभी ने देखा, टॉलीवुड से उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद जाना माना चेहरा वो बने, बिग बॉस 13 में वो विनर रहे और उसके बाद सभी को उम्मीद यही थी कि जो ये बेहतरीन शुरुआत हुई है या कह सकते हैं कि जो बेहतरीन जीत के साथ वो अपने आगे के करियर में आगे बढ़े, तो उसके बाद कई प्रोजेक्ट उन्हें मिले और ऐसे में कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिन पर काम चल भी रहा था और कई ऐसे शोज थे जो वो होस्ट भी करने वाले थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उनकी एक्टिंग की चर्चाएं होती थी, उनके जो वीडियोज जो सामने आते थे जिसमें देखते जाता था कि वो किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं या फिर बात हो उनके रिलेशंस की, तो सभी के साथ उनका जो नेचर था बहुत अच्छा था। बिग बॉस के सीजन में भी हम सभी ने देखा कि आखिर किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और उसके बाद ये भी माना जा रहा था कि जो पूरा मुकाबला है वो एक तरफा सा हो गया और जीत बिल्कुल निश्चित हो चुकी है कि सिद्धार्थ शुक्ला ही जीतने वाले हैं। तो ऐसे में बड़ा झटका यहां पर और साथ ही कई वीडियोज भी ऐसे सामने आए जब उनकी जो ममा है उनके साथ जो उनकी केमिस्ट्री है वो भी देखने को मिली, तो साफ तौर पर यह भी कहा जाता था कि उन दोनों की जो केमिस्ट्री है बहुत ज्यादा खास है, बहुत बेहतरीन है। तो आप इमेजिन कर पा रही होंगे कि आज उनकी ममा की जो स्थिति है वो क्या होगी जिनको पता चला कि अब उनका जो बेटा है इस दुनिया में नहीं रहा। और जब पहली बार हमने ये खबर सुनी थी तो हमें भी बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि कई ऐसे वीडियोज उनके आते रहते थे, सोशल मीडिया पर भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे और वहां से लोगों के टच में भी वो रहते थे कि आखिर लोगों से किस तरीके से कनेक्शन बढ़ाया जाए, किस तरीके से उनके साथ और भी ज्यादा जुड़ा जाए। क्योंकि कई उनकी रील से या फिर बात करें शहनाज गिल के साथ उनका जो था उसकी वजह से भी वो काफी चर्चाओं में रहते थे, सुर्खियों में रहते थे और सबसे बड़ी बात कि एक पॉजिटिव वे में उनको देखा जाता था क्योंकि कई जगहों पर उन्होंने लोगों को मोटिवेट भी किया। पर उसके बाद जब खबर सामने आई कि 40 साल की एज में उनका निधन हो गया तो सबको बहुत बड़ा झटका लगा है, परिवारजनों को तो साफ तौर पर लगा ही है, पर साथ ही जो लोग उनको फॉलो करते थे, उनके फैंस थे, उनके लिए ये जो पूरी बात है इस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत बड़ा झटका यहां से सभी को लगा है। तो वहीं अगर बात करें तो एक जो पूरी इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत बड़ा शून्य वो यहां पर छोड़कर चले गए हैं जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका सभी के लिए है उनके निधन से। तो वहीं आपको बता दूं कि 40 साल की एज में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है, तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जो उनकी मौत हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट से उनका आना बाकी है उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर क्या बड़ी और अहम वजह रही, पर अभी जो कारण बताया जा रहा है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कल देर रात उन्होंने कुछ दवाई ली और उसके बाद वो सो गए थे, पर किसी को नहीं पता था कि जब आज वो उठेंगे तो वो हमेशा के लिए सो जाएंगे। तो ऐसे में आज का जो सूरज उगा तो वो एक ऐसी किरण को अस्त करते हुए आगे बढ़ा जिसने अभिनेता के तौर पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। आगे उनके करियर से सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि आप भी देख पा रहे होंगे करियर की शुरुआत के बाद
कई ऐसे सीरीज आई, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स उनको मिले जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसके बाद उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। शहनाज गिल के साथ रिलेशनशिप में आए, वो रिलेशनशिप भी लोगों के लिए कितना हेल्दी प्रोस्पेक्टिव लेकर आया है ये भी आपने देखा होगा, और किस तरीके से वो चर्चाओं में रहते थे, सुर्खियों में रहते थे। तो आज का ये जो दिन है बेहद दुखद दिन पूरे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि चाहे बात हो टॉलीवुड की या बॉलीवुड की, दोनों में ही उन्होंने बेहतरीन काम किया, टॉलीवुड से बेहतरीन शुरुआत की। टीवी स्क्रीन पर सब लोग जानते थे, घर घर का जाना माना चेहरा था, तो जितने भी लोग जो उनको देखते थे, उनके वीडियोस देखते थे, उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते थे, सभी के लिए बेहद दुखद ये पूरी खबर। और देखिए आयुष, जब किसी की डेथ और उसके बाद 40 साल की एज में जब वो अपने करियर पर एक पीक पर थे और उसके बाद ये जो पीक है वो बढ़ने ही जाने वाली थी, क्योंकि कई ऐसे मुकाम और थे, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स और थे जिन पर उनको और भी काम करना था, एक नई दशा और दिशा सभी को देनी थी। और कई लोग जो हैं वो उनको एज ए आइकॉन भी मानते थे, क्योंकि अगर आप बात करें उनकी तस्वीरें अगर हम लोग देखें तो देख पाते हैं कि किस तरीके से उनकी जो बॉडी बिल्डिंग की बात हो या उनकी फिजिक की बात हो, कोई भी आज ये बिलीव करने को तैयार नहीं होगा कि उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से आई, क्योंकि कई वीडियोस भी हमने देखे कि किस तरीके से वो लोगों को अपनी फिजिक के लिए, अपनी हेल्थ के लिए मोटिवेट करते आए और उनकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन नजर आती थी। पर ऐसे में ये खबर सामने आना कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई, तो वाकई में ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और जब पहली बार ये सुनने को मिला तो ऐसे में लग रहा था मानो कि ये सब कुछ झूठ हो। जी बिल्कुल आयुषी, देखिए बिग बॉस में सभी ने उनका खेल वहां पर देखा है, काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव पर्सनालिटी रहे हैं वो। जिस तरह से आपने बोला कि बॉडी को लेके, फिटनेस को लेके भी वो लोगों को मोटिवेट करते थे, उसके अलावा अगर हम उनके मेंटल हेल्थ की बात करें, करियर पर वो पीक पे चल रहे थे, रिलेशनशिप उनका अच्छा चल रहा था, सभी चीजें उनके जीवन में सही चल रही थी। और ऐसे में हार्ट अटैक की बात सामने आना काफी ज्यादा गंभीर है। निश्चित तौर पर आयुष, और देखिए जब हम सब लोगों को इतना धक्का लगा, क्योंकि जब ये न्यूज हमने खुद ने सुनी तो हम लोगों के चेहरे पर भी एक मायूसी थी और अभी भी है कि आखिर कैसे, क्यों, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, जिस तरीके से सब उनको जानते, जाना माना चेहरा वो है आज, और ऐसे में कई उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा थी कि अब वो अपने करियर में और भी ज्यादा बेहतरीन करने वाले हैं और भी अच्छा कुछ, और क्योंकि एक साफ तौर पर एक बड़ा मोटिवेशन उनसे सभी को मिलता था, उनके वीडियोज की बात हम लोग कर ले या फिर जब वो लाइव चैट्स पर आते थे सोशल मीडिया पर, तो सब लोग इंतजार करते थे कि आखिर कब वो लाइव आने वाले हैं, कब उनसे बात होगी। और बिग बॉस में जिस तरीके से उनकी जो फेमस नेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा फेमस वो हो गए थे, तो ऐसे में सब लोगों का जो कनेक्शन है उनसे ज्यादा बढ़ गया था। और ऐसा लगता था जिस तरीके से वो एक्टिव रहते थे, सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़े रहते थे, तो कि वो एक घर का ही सदस्य हो। तो आज सबके लिए ये इतना ज्यादा दुखद टाइम है, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि कोई घर का सदस्य ही है जो चला गया, और 40 साल की एज में इस तरीके से उनका निधन होना और उसके बाद ये बात सामने आना कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो ऐसे में कई सवाल भी है, आखिर क्या वजह रही, क्या किसी डिप्रेशन की सिचुएशन में वो थे। हालांकि अगर हम उनके सोशल मीडिया पर या उनकी जो एक्टिविटीज है उन पर अगर गौर फरमाएंगे तो मानो ऐसा लगेगा कि ये सारी जो बातें हैं वो गलत सी लग रही है, पर ऐसे में वजह ये भी जानना जरूरी है कि क्या वजह रही। पर अभी रिपोर्ट्स का इंतजार है, पर अभी जो अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा गया है वो यही बात सामने आई है कि हार्ट अटैक की वजह से ही उनकी डेथ हुई थी, और कल देर रात उन्होंने कुछ दवाइयां खाई थी, उसके बाद वो सोए, और उसके बाद किसी को नहीं पता था आयुषी कि मतलब वो एक ऐसी गहरी नींद में सो जाएंगे कि उनको जगाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जब अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये जानकारी घर वालों को दी गई होगी, जब ये बात की पुष्टि की गई होगी, तो सबके लिए कितना बड़ा धक्का यहाँ पर, और साफ तौर पर बहुत बड़ा धक्का यहाँ पर है, सब जगह मायूसी का आलम छाया हुआ है। तो वहीं अगर बात करें इंडस्ट्रीज की, तो टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री दोनों ही जगह से बहुत ज्यादा दुख का माहौल है, और अब लगातार लोग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं कि आखिर क्या वजह रही, कैसे इतनी कम एज में जो आदमी अपने करियर में बेहतरीन कर रहा है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, और हर जगह से एक पॉजिटिविटी उनके फेस से मिलती आई है। ये आपने भी नोट किया होगा, जब उनकी फोटोज हम लोग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पर, जब उनको एक्टिवली देखते हैं या फिर कोई भी उनका प्रोजेक्ट आता है, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज उसके अंदर होता है, बहुत पॉजिटिविटी आम जन को वहां से मिलती है। तो ऐसे में कई सवाल कि आखिर इतना ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला इंसान, इतना ज्यादा अपना आपका ध्यान रखने वाला इंसान, अपनी फिटनेस का ध्यान रखने वाला, हेल्थ का ध्यान रखने वाला, और कई जब शहनाज गिल के और उनके वीडियोज अगर हम नजर डालें तो ऐसे कई पॉजिटिव मैसेज वहां से भी रिलेशनशिप्स को लेकर भी मिलते आए हैं कि किस तरीके से अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपने रिलेशनशिप्स को
पॉजिटिव रखें, किस तरीके से उनको और भी ज्यादा स्ट्रांग करें। तो ऐसे में कई अहम सवाल यहां पर कि आखिर जो बंदा जिसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान नजर आती थी, आज वो कैसे, वो भी हार्ट अटैक से। जी बिल्कुल आयुषी, देखिए काफी ज्यादा पॉजिटिव इंसान थे वो, लेकिन केवल दुख ही नहीं, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा लॉस भी है, क्योंकि यहाँ पर नेपोटिज्म नहीं था। टीवी जगत से अपनी मेहनत से उभरे हुए ये अभिनेता थे, जिन्होंने बाद में रियलिटी शो में अपना पर्सनालिटी दिखाई, जिसकी वजह से उनको दर्शकों का काफी ज्यादा प्यार मिला। वहीं अगर हम उनकी जोड़ी की बात करें, उनकी और शहनाज गिल की जोड़ी को भी दर्शकों का काफी ज्यादा प्यार मिला था। और उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद अब वो बॉलीवुड तक जाने वाले थे। इतनी अच्छी उनकी एक्टिंग स्किल्स, इतनी पॉजिटिव वो व्यक्ति थे, कितना बड़ा लॉस ये इंडस्ट्री। बिल्कुल साफ तौर पर आयुषी, एक ऐसा लॉस है जिसको कभी बुरा नहीं किया जा सकता, कभी उनका जो प्लेस है जो वो छोड़कर चले गए आज इस दुनिया में, वो कभी फिलअप नहीं हो सकता। एक सीरियल की मैं याद दिलाना चाहूंगी आपको, बालिका वधू बहुत फेमस सीरियल था राजस्थान की दृष्टि से। अगर हम लोग बात करें तो बाल विवाह जैसी कुरीति को लेकर ये सीरियल बनाया गया, और उसके बाद उनका जो अभिनय था, शाम होती थी जैसे ही सीरियल का वक्त शुरू होता था वैसे ही सब लोग घरों पर बैठ जाते थे टीवी के सामने कि देखा जाए सीरियल में, और जिस तरीके से पॉजिटिव मैसेज वहां पर उन्होंने दिया। और आप अगर गौर फरमाएंगे तो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अब तक, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है। कवायद और कोशिश यही रही कि आखिर किस तरीके से सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंज किए जाए। बालिका वधू सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपनी एक्टिंग के साथ साथ एक बड़ा मैसेज भी आमजन को देने की कोशिश की। और साथ ही बिग बॉस के अगर हम वीडियोस की बात करें तो बिग बॉस में भी आपने देखा किस तरीके से बेबाकी से वो अपनी बात रखते आए, और जहां पर जरूरत पड़ी कि लोगों को गाइड करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, और किस तरीके से घर का जो माहौल है बिग बॉस हाउस का वो शांत रखना पड़ेगा। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बताती है कि पर्सनल लाइफ में भी उनका किस तरीके का एटीट्यूड रहा होगा, लोगों से किस तरीके का उनका व्यवहार रहा होगा। और बात की जाए कॉन्ट्रोवर्सीज की, तो कभी ऐसे बड़े मुद्दे सामने ना आए जिनकी वजह से बहुत ज्यादा मामला जो है बिगड़ता हुआ सा नजर आए। तो ऐसे में ऑलवेज वो जो है लोगों को पॉजिटिव मैसेज के साथ मोटिवेट करते हुए ही नजर आए। जी बिल्कुल आयुषी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।